फोरलैन के चलते सोलन के चंबा घाट में उजड़ चुकी मोटर मार्केट के प्रभावितों से भाजपा नेता राजेश कश्यप ने बैठक की और उन्हें पेश आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर राजेश कश्यप ने प्रभावितों को आश्वासन दिया है कि भाजपा इस संकट के समय में उनके साथ खड़ी है और उन्हें इस संकट से निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि चंबाघाट मोटर मार्केट प्रभावितों के लिए जल्द ही ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाएगा और 14 तारीख को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कर कमलों द्वारा उसका नींव पत्थर रखवाया जाएगा। साथ ही भाजपा उन्हें ये आश्वासन देती है कि जब तक प्रभावितों का जीवन यापन करने का स्थायी बंदोबस्त नहीं हो जाता है तब तक चंबाघाट मोटर मार्केट को टूटने नहीं दिया जाएगा। बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे मैकेनिक भाई जो है वो विस्थापित हुए हैं। ये जो फोर लेन यहाँ से निकला है इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सभी चिंतित है और इन्हें जो है स्थापित करने के लिए जल्दी से जल्दी जो है एक ट्रांसपोर्ट नगर की जो स्थापना की जाएगी इसके लिए पहले ही जो है 20 बीघा जमीन जो है अलॉट कर दी गई है। 14 अप्रैल को राज्य स्तरीय समरसता दिवस जो है सोलन में ही मनाया जा रहा है। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आएंगे और जो ये ट्रांसपोर्ट नगर है इसका जो है शिलान्यास करेंगे। वहीं इस मौके पर मोटर मार्केट एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र मेहता ने इस कदम के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया और कहा कि भाजपा सरकार ने उन्हें उम्मीदों की किरण दिखाई है जिससे सभी प्रभावित खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें फिर से बसाया जाएगा जहां वह फिर से अपनी रोजी कमा सकेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जो हेजिटेशन हमने चलाया था उस विषय में हम आज इकट्ठा हुए हैं। बाईपास बनने से सारा चंबा घाट पूरा उजड़ गया है और यहाँ से बहुत से मैकेनिक और स्पेयर पार्ट का काम करने वाले लोग विस्थापित हो गए हैं। उन्हें बसाने की जो समस्या हमारे सामने आई है उस विषय में हमने सरकार के सामने एक प्रपोजल रखा था और पिछले 15 साल से हम ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आज हमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसमें हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रदेश मुख्यमंत्री का ठाकुरम जयराम जी का। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो चंबा घाट से लोग उठे हैं उन्हें जल्दी बसाने के बारे में सोचें और जो कुछ यहाँ है बचे हुए उन्हें तब तक यहाँ से ना छेड़ा जाए जब तक कि उनको कहीं स्थापित नहीं किया जाता है क्योंकि फोर लेन का कार्य होना है। हमने समय मांग रखी है कि ये कार्य थोड़ा आगे से भी शुरू हो सकता है और प्रशासन ने हमारी ये मांग मानी है जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।